बेचारा थोड़ा हेल्थ का इश्यूज था, उनको पहले भी एक हार्ट अटैक हुआ था और आज वही शायद अब ऐसा लग रहा है कि वही यू नो एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ अब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन या ये अचानक हुआ, बहुत ही मैं तो सॉरी मैं बहुत शॉक में हूँ। यू नो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, हम लोग साथ में काम कर रहे थे और उनका आखिरी काम यही है, दिस इज़ हिज लास्ट वर्क, ये मेरे फिल्म में जो म्यूज़िक बनाया हम साथ में उनका आखिरी, और दो दिन पहले हम लोग ने साथ में परफॉर्म किया था, उनका आखिरी परफॉर्मेंस था। और या हमारे पहाड़ से दार्जिलिंग कालिम्पोंग कुर्सियांग से बाहर जाके नाम कमाने वाले बहुत कम हैं, उनमें से सोनम एक डेफिनेटली एक ऐसा बंदा है जिसने अपना नाम बनाया, बहुतों को प्रेरित किया। और बस मैं जो लोग भी ये देखेंगे मेरा विनती यही रहेगा कि आप सब उनके फैमिली के लिए प्रे कीजिए। और बेटे हैं, बेटा है, दोनों को प्यार भेजिए आप और सोनम का लेगेसी को जारी रखिए, म्यूज़िक बजाने वाले को बजाने दीजिए। और ये मेरा दोस्त ही नहीं, एक म्यूज़िक मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं, ये पूरे पहाड़ के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है। यू नो एक होनहार है और इतना बेहतरीन म्यूज़िशियन, वेटरन म्यूज़िशियन चल बसे, लेकिन उनका काम जारी रहेगा। यू नो ही विल ऑलवेज लिव अमंगस्ट अस, हमेशा रहेगा। और उनका आखिरी काम जो है मेरे साथ ही है, अब मैं खुद इसको ख़त्म करूँगा म्यूज़िक को और उनको एकदम यू नो ट्रिब्यूट उनके नाम पे ये फिल्म अब बनाएगा। फिल्म ख़त्म होने वाला है, अब उनके नाम पे ही मैं फिल्म ख़त्म करूँगा और इन हिज मेमोरी I'm gonna make this film a very beautiful film. आज दोपहर को हमें खबर मिला कि एक होटल की कुर्सियांग के एक होटल के एक घर में एक व्यक्ति को मृत पाया गया, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में उनको डेथ डिक्लेयर किया गया और डेड बॉडी को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम होगा कल और हमें फर्दर पता चलेगा कि क्या हुआ था। हमें ये पता चला कि मरने वाले का नाम सोनम शेरपा है, वो कालिम्पोंग के रहने वाले हैं लेकिन अभी न्यू दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ पर क्या के लिए आए थे? यहाँ फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन के लिए आए थे। मेरा फिल्म अभी जो बन रहा है यहाँ पे, अभी पिछले एक महीने से शूट कर रहा हूँ मैं मेरे फिल्म ब्रोकन विंग्स का, बहुत अहम हिस्सा था वो, और म्यूज़िक डायरेक्टर पर तो और म्यूज़िक डायरेक्टर था और हम दोनों कोलैबोरेट करके साथ में कर रहे थे काम। और उनका काम तो यहाँ पे तो काम ख़त्म हो गया था 12 तारीख को, सो वो 12 तारीख को वापस जाने वाले थे दिल्ली अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो शूट में उनको मज़ा आया और एक दो दिन एक्स्ट्रा रहना चाहते थे ताकि उनको और इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि हमारा अभी भी 30-40% म्यूज़िक बाकी है बनाना, सो ही वॉन्टेड थोड़ा इंस्पिरेशन, सो शूट देखना चाह रहे थे और कल भी शूट देखा। सो आज उनका वापसी था, आज वापस दिल्ली जाने वाले थे, दोपहर का फ्लाइट था। पर या सुबह हम लोग करीब 11:30 बजे गुड बाय बोले यहीं पे, सब गले मिले, फ़ोटो वोटो लिया
मजाक भी किया, वो मेरे साथ हमेशा मजाक करते रहते थे और जोक किया, और वो बहुत खुश था, वो बहुत ही प्राउड था इस फिल्म को लेके, क्योंकि उसने फुटेज देखे थे, हमारी फिल्म के रशेस देखे थे, ये जो एडिट कर रहे हैं हम लोग अभी वो भी देख रहे थे, और वो बहुत प्राउड था कि अच्छा बन रहा है, और मुझसे गले मिल के भी बोल रहा था हमारे बहुत फिल्म बढ़िया बन रहा है, म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया बन रहा है, और बस बाय बोल के हम लोग बाय बोल के वो हम तो शूट पे चले गए, हम सब मेरा पूरा यूनिट, हम लोग बाज़ार में कुरसेओंग टाउन में हाट बाज़ार में शूट कर रहे थे। सो करीब एक बज के अठारह मिनट को मुझे फ़ोन आया यहाँ से कि सोनम रूम में उसके बिस्तर के पास गिरा हुआ था। इत्तेफाक की बात है भैया, देखिए हर घर में कोई ना कोई गुजर चुके हैं, आपके घर में भी कोई ना कोई गुजरे हैं, मेरे घर में भी बहुत लोग अभी तक गुजर चुके हैं, ये एक इत्तेफाक की बात है। इस होटल के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका हेल्थ का इशू है, अब को यू नो सर्कमस्टेंस और को इंसिडेंस ऐसा हो गया, लेकिन हम सब पहाड़ी लोग, यहाँ के लोग को एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए। ये होटल भी हमारा पहाड़ का ही होटल है, यहाँ का होटल है, अब ऐसा हुआ बोल के होटल को बदनाम करना भी ठीक नहीं है, यू नो बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सो ये जस्ट कोइंसिडेंस हो गया यहाँ हुआ है, और होता है यू नो हर होटल में, आप कोई भी होटल में देखो, कोई भी घर में देखो, कोई ना कोई गुजर जाते हैं, सो आप उस एंगल से मत देखिए, आप लोग अभी बस, मैं तो थोड़ा अभी शॉक में हूँ, थोड़ा प्रोसेस भी कर नहीं पाया, सो अब जितने लोग भी देख रहे हैं, जो लोग उनको जानते हैं, उनको प्यार प्यार से याद कीजिए, उनके म्यूज़िक को जारी रखिए, उनके म्यूज़िक को सुनिए, उनके काम को शेयर कीजिए, और जितने भी युवा लोग हैं, यू नो युवा लोगों में ये कला का भावना और भी बढ़े और जगे, ताकि उनका लेगेसी जारी रहे। उनका स्टूडेंट्स बहुत है, उनका स्कूल है दिल्ली में परिक्रमा स्कूल ऑफ म्यूज़िक, 3-4 दिन हो गए थे शायद, 4 दिन ऐसा हुआ था, 11 तारीख को आई थिंक ही केम, 11 तारीख को आके 12 तारीख को हमारा उनके साथ एक शूट था, वो म्यूज़िक का शूट था, सो उनका ज़रूरत था, सो वो 12 तारीख ख़त्म करके वापस जाने वाले थे, लेकिन एक्सटेंड कर दिए बस।